न्यूज प्लस हरियाणा की टीम आज पहुंची है किरण की गांव के अंदर। जी हां, आज हम किरण के गांव में देखेंगे कि आखिरकार किरण के गांव का माहौल किस तरीके का है, किरण की जो जनता है, किरण के जो लोग हैं, वो आखिरकार विधायक के बारे में क्या कुछ सोचते हैं। बाबा अस्सलाम वालेकुम। सब खैरियत है? गाँव के अंदर विधायक ने काम कराया, कुछ कभी आया है? नहीं, हमने तो ना देखे जी, कोई आता कभी नहीं आया ना, हमने तो ना देखो कोई आता। सोना विधानसभा के अंदर विधायक ने काम कराया? नहीं जी। क्यों सर? जब से इलेक्शन हुए है ना, उसके बाद में वोट मांगने आए, वोट मांगने के बाद में ना कभी ना तो देखने आते हैं ना हमें अपना आप चेहरा दिखाते हैं। ब्याह को कितना टाइम हो गया? ब्याह हो गए 30-25 साल। ऐसा विधायक देखा है जैसा इस बार का? विधायक आज तक नहीं आयो, कभी नहीं आया, कभी नहीं आयो। कारण क्या लगता है? कारण क्या लगे है, बस ऐसे ही है, हम तो यह चाहते हैं वो आ जाए हमारी कांग्रेस। आंटी कोई नाम है कांग्रेस से जिसको आप टिकट दिलाना चाहते हो? कांग्रेस टिकट दे दे भटा। हाँ, रोता इसको। वैसे क्या नाम है आपका? मेरा नाम है एजाज। एजाज जी, आप जानते हैं हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव आ रहे हैं जी, तो आपको क्या लगता है बदलाव होगा अब की बार हरियाणा में? बिल्कुल, जो देखा जा रहा है कि जो कांग्रेस की इस बार लहर आएगी और आने वाला टाइम लग रहा है कि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। सोना विधानसभा में रहते हैं तो आपके मुताबिक क्या सोना विधानसभा में मौजूदा विधायक ने काम कराया है कुछ? नहीं जी, जिसे जहाँ जितनी नज़दीकी से हम देख पा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने काम कराया है। नहीं कराया है। आपके हिसाब से जो सरकार की नीतियां हैं वो आम जनता तक में कामयाब हो पाए? नहीं जी, बिल्कुल नहीं हो पाए, विफल रहे हैं बिल्कुल। ऐसा कारण क्या लगता है उनकी नाकामी का, क्षेत्र के अंदर ये जो नाकामी उनके हाथ लग रही है उसका कारण क्या है? आम लोगों तक नहीं पहुंच पाए वो। अच्छा। आम लोगों के बीच नहीं पहुंच पाए, उनकी परेशानियों को नहीं समझ पाए, यही मेन कारण रहा है। अच्छा, जैसा कि अभी आपने कहा कि कांग्रेस की लहर जो है वो आती हुई दिखाई दे रही है, तो सोहना विधानसभा की अगर बात करें तो सोहना विधानसभा के हिसाब से पिछली बार के चुनाव को याद करते हुए आपने कहा कि विधायक ने अच्छा काम नहीं किया, तो पिछली बार कांग्रेस की जब टिकट शमशुद्दीन को मिली तो क्यों यहाँ से सीट नहीं निकल पाई? उसमें जी कई सारे एंगल्स क्रिएट हो जाते हैं, जब उसमें हिंदू मुसलमान का एक एंगल क्रिएट हो जाता है तो उस वजह से, और जो उनका फर्स्ट सेकंड टाइम था तो उस तरह से वो प्रभावशाली नहीं रह पाए, तो इसी कारण उसे। कांग्रेस का टिकट वितरण 2019 में आप सही मानते हैं? उसमें थोड़ा सा उन्हें और ज़्यादा ग्राउंड लेवल पर वर्क करना चाहिए, तो उसी हिसाब से टिकट देने चाहिए थे। अगर या तो उन्हें तैयारी पहले करनी चाहिए, पहले करनी चाहिए थी और पूरा टिकट किसी और को देना। हाँ जी, सर्वे प्रॉपर करनी चाहिए थी टिकट के लिए, तो इस बार वो चूक ना हो फिर से, तो उसके हिसाब से अगर, क्योंकि कांग्रेस वो गलती ना करे, तो उसके लिए आप क्या सोचते हैं? उसके लिए जी कई सारे ऑप्शन हैं, और अगर सर्वे करेंगे तो सही कैंडिडेट को चुने और पक्का इंशाल्लाह टिकट सीट निकलेगी कांग्रेस की सोना से। आपको कौन लगता है ऐसा कैंडिडेट जो कि बहुत आसानी से ये सीट निकाल सकता है? अभी तो जी कोई नाम आया नहीं है, जितने भी हम देख रहे हैं, पोस्टर्स देख रहे हैं, जो भी अपना नाम थ्रो कर रहे हैं ग्राउंड में, कोई ऐसा मजबूत कैंडिडेट है नहीं। बल्कि मेरे को लगता है कि अगर हम ओवरऑल देखे जाए तो एक रोहतास खटाना जी हैं, वो शायद सीट निकाल सकते हैं अगर उनको टिकट मिलता है तो। और क्या लगता है बीजेपी कांग्रेस में सोहना में आएगी वापस? नहीं, बीजेपी का आना बहुत कम चांसेस है, बस एक जो कांग्रेस को अपने कैंडिडेट सही चुनना पड़ेगा। कांग्रेस को कैंडिडेट सही जी, मतलब ये तय है कि अगर इस बार कांग्रेस ने देख परख के टिकट वितरण किया तो कांग्रेस इस बार आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, 100%। मतलब बस थोड़ी सी ज़रूरत है तो पहचान की, सही कैंडिडेट चुनने की ज़रूरत है, और 100% कांग्रेस आ रही है सोना में।